हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कौन कहलाता था? तो यह कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर डी, इनका जो दरगाह है कहाँ है? तो दिल्ली में है, यह भी ध्यान रखिएगा। वही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज से किसे जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिनका दरगाह जो है कहाँ है? तो अजमेर में है। और यह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम है बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो है। क्लियर, एक बार फिर से सुनिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम बख्तियार काकी के शिष्य का नाम बाबा फरीद के शिष्य का नाम औलिया, और औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। यदि ब्यूटीफुल को यह लिखा गया है तो इस तरह से लीफ को कैसे लिख सकते हैं, बताइएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सब तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को। यहीं पर बताइएगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से। वही 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर बी होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा? तो जीवी मावलंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। और 17वां लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी वर्तमान में ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉक से दिया गया क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका नहीं होना चाहिए था, पहली हिंदी भाषा की भारतीय लेखिका कौन होंगी, यह क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। एक बार फिर से सुनिएगा, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी भाषा की भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? तो यह हो जाएगा गीतांजलि श्री। अगर यही क्वेश्चन रहता तब हो जाता राइट आंसर अरुंधति राय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां, 180 देशों में भारत का स्थान 150वां प्राप्त हुआ है। पहला स्थान नॉर्वे का है, और दूसरा स्थान किसका है, बताइएगा? दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान डेनमार्क का है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया जाता है, 2002 से यह जारी किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ते हैं गोविंद शंकर कुरुप। 1865 ईस्वी में इन्हें मलयालम के क्षेत्र में दिया गया था, और 11 लाख रुपया दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में 11 लाख रुपया दिया जाता है। पहले 1 लाख रुपया ही दिया जाता था, अब 11 लाख रुपया दिया जाता है। दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदी को खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदी के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन को पहले देख लें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था, अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप लोग कन्फर्म रहें। भारतीय प्रेस काउंसिल यह एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 को, 4 जुलाई 1966 को मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी, श्री नीलम संजीवा रेड्डी ऑप्शन नंबर ए। 64 वर्ष की आयु में यह राष्ट्रपति बने थे। और सबसे युवा पीएम अगर रहता तो कौन हो जाते? तो राजीव गांधी। और सबसे वृद्ध पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत को कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत नहीं, मुंबई को कहते हैं, यही गलत है, मुंबई को कहते हैं। भारत का डेंट्रॉट पीथमपुर को, द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, एंथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरे को कहा जाता है, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? तो पोप्स है। दूसरे एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बेंगलुरु। किस व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले? इसे कहते हैं फिशिंग स्कैम। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा रुद्राज पाटिल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन प्रकृति के अनुकूल होता है, यह सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, इसका जो राइट आंसर होगा जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है, कहाँ? तो जगह पंजाब में। किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? यह हो जाएगा IIAC बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर जगदीश चंद्र बोस ने नहीं जीता, जबकि एस चंद्रशेखर, बी एस नायपाल, हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरॉल। आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। मूल नाम मूलशंकर। फोलकेंटिंग कहाँ की संसद है? तो डेनमार्क की। अस्टोटिंग नार्वे का। और एक्स डॉग स्वीडन का। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं? क्या बनी है? अभिलाषा बराक। डर्बी किससे संबंधित? घुड़दौड़ से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा नीरी की स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया? तो 1958 ईस्वी में नागपुर में, 1958 नागपुर में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ?
होशंगाबाद मध्य प्रदेश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश सर्वाधिक कार्यकाल तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन से तापमान की ऐसा इकाई है? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कौन से तापमान की ऐसा इकाई है? तापमान का हो जाएगा केल्विन, तापमान का केल्विन। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है? यह हो जाएगा प्लायर, श्रेणी वन प्लायर। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो स्टीफन का नियम का। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? यह रहती है 1/10 सेकेंड अर्थात 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो होता है कॉर्निया पर, स्वच्छ मंडल पर। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आधा, ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो हो जाएगा फ्लोरीन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं, धुआं या फिर मेथी पाउडर, इत्र का वाष्प। आंसर मिल गया होगा मेथी पाउडर। किस तत्व तक अष्टा का नियम लागू हो पाया? किस तत्व तक अष्टा का नियम लागू हो पाया? कैल्शियम तक। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? यह होता है मीथेन, मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, मैं थोड़ा फास्ट करवाने की अब कोशिश करूँगी क्योंकि यहाँ पे 15 अगस्त की तैयारी चल रही है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। तो चलिए, समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाती है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाता है? तो मुद्रा अस्फीति कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 143। यह सभी हो सकता है लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्यपाल 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? लोकसभा में केवल एक सीट, यह हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, लोकसभा में एक सीट 3 राज्यों में है। कौन कौन सा 3 राज्य है? नागालैंड है, मिजोरम है और सिक्किम है। वही पाँच केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में एक सीट है। एक है लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 15 अगस्त का तैयारी चल रहा है इसलिए बहुत शोरगुल हो रहा है, इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। अब 2 दिन इसी में डिस्टर्ब रहने वाला है यहाँ पे। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है?
बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? क्या बना रह सकता है? 6 माह तक, ऑप्शन नंबर बी। राज 3077 एक प्रजाति है, यह हो जाएगा गेहूँ की। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, इसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव यह सब शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बम्बई हाई कोर्ट की तो 1862 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। दिल्ली 1966, इलाहाबाद 1866, गुजरात 1960। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के जो भी पहले हों। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? एक बार फिर से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 93वां संविधान संशोधन। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जी वी के राव समिति 1985, जी वी के राव समिति की स्थापना 1985, एल एम सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में हुई थी और इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, वी आर मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977, इसको मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा यह हो जाएगा एक मृत पाए तारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एवरडीन को। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? गर्म धारा कौन सी है? यह ब्राजील की धारा, जबकि कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड यह सब ठंडी जलधारा है और सभी सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। स्थानीय पवन और क्षेत्र दिया गया है। फोन जो हो जाएगा आल्पस पर्वत पर बहती है, शिमू कुर्दिस्तान अरब वाले क्षेत्र में, सेंटाइना कैलिफोर्निया, जोडा यह बहती है अर्जेंटीना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की आमनोतर नहीं गुजरती है, कितने बार मैं बता चुकी हूँ, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती जो है किन नदियों मतलब किन के मध्य स्थित है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। एक मैप आप लोग याद रखिएगा, सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत, उसके बाद से गुजरती है नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद गुजरती है कौन? ताप्ती नदी। तो पहले विंध्याचल, उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा पर्वत और नीचे है ताप्ती नदी। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 2020। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है एपोप्टोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? यह हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर सी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? क्लोरोफाइसी हरा सवाल, फ्यूफाइसी भूरा सवाल, रोडोफाइसी लाल सवाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न तापक्रम पर किस तंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? हाइबरनेशन। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्याज का खाद योग भाग कौन सा होता है? तो गुद्देदार पत्ते, प्याज का खाद योग भाग गुद्देदार पत्ते होते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? तो हो जाएगा लैक्टोज। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियाँ कहा जाता है? 11वीं और 12वीं को तैरती हुई पसलियाँ कहा जाता है। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? यह हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। बूंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कचकारम, 12,454 किलोमीटर। और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, 756। ऑयल जयपुर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? ऑयल जयपुर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? TERI के द्वारा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? घोड़ा के लिए कंबोज, घोड़ा के लिए कंबोज, हाथी के लिए मगध। यूं से किस ग्रंथ को सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? सत सहस्त्र संहिता को नाम से जाना जाता है महाभारत को। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह सही दिया गया है ऋग्वाद में, ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं लेती थी, यह गलत दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था, यह भी सही है। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी, ज्योग्राफी टॉलमी। छादोंग तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? छादोंग तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? यह हो जाएगा छादोंग, सामवेद का, ऑप्शन नंबर ए। वर्षाय की संधि नियम से किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्षाय की संधि यूरोप। कब हुआ था वर्षाय की संधि, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन इटली में। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय मार्टिन लूथर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन, मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था बताइएगा? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, लगान का नगद में परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। 1921-22 मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन, कब? 1936। तीन अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एक 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1937 का बेलगांव अधिवेशन और 1936 का लखनऊ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। लाहौर अधिवेशन किसने किया था बताइएगा? इलाहाबाद में हुआ था 1916 का। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, माफ़ करिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन को सूची 2 के साथ मिलान करिए। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लौह अयस्क क्योझर कहाँ है? उड़ीसा में है। तांबा खेतड़ी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। कोयला कोरबा जाना जाता है कोयला उत्पादन से, और यह कहाँ है तो कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़। अबरख कोडरमा झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बकिम चंद चटर्जी के पुस्तक का नाम क्या है? बकिम चंद चटर्जी, आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त, कैप्टन लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक गोरा, सूर्यनाडु द ब्रोकन विंग। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा क्या नहीं थी? तो पृथक निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर बी सर ने बताया है। मुझे लगा था कि व्यस्क मताधिकार होगा, क्योंकि मैंने इसे ही टिक किया था प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सर ने राइट आंसर बताया है। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैराजी आंदोलन, हाजी सरियातुल्ला। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? हराया था सलहार का युद्ध। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1665 में। रायगढ़ में को इन्होंने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो हो जाएगा सुलेमान सिको दारा सिको का बेटा। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है आप लोग कमेंट करके अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।